ब्रेकिंग न्यूज है, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का दावा, दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं, केवी सुब्रमण्यम ने कहा है, और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को हम ठीक कर सकते हैं। दिन में 3 शिफ्ट में वैक्सीन दें तो 1 दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन हो सकता है। तो अब देखिए, जरा आपको जानकारी तफसील से इस बात की भी दे दे कि कोरोना से इकोनॉमी पर खास असर नहीं पड़ेगा, उसकी वजह क्या है, इसको आप तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल क्या है कि फिस्कल डेफिसिट विनिवेश टारगेट पर असर नहीं पड़ेगा, इस बात के संकेत दे दिए गए हैं। इसके साथ ही दूसरी लहर ने इकोनॉमी रिकवरी को प्रभावित किया है, ये बात भी लगातार सामने आई है। दूसरी लहर ने इकोनॉमी रिकवरी को प्रभावित किया है ये भी बताया गया है, लेकिन इकोनॉमी पर खास असर नहीं है क्योंकि जुलाई से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। कोरोना काल में विकास दर का जो सटीक अनुमान है, जाहिर बात है वो लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसी परिस्थिति बने, भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर लगातार हम देख रहे हैं। शेयर बाजार कई बार खुलता है तो हाई पॉइंट पे चला जाता है, तो इसीलिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय शेयर बाजार भी बना हुआ है, और इसीलिए ये पूरा एनालिसिस किया गया है इसी जानकारी के आधार पर कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।